too much of line. Wait. Less of light but better focus. So this is my first video of 2021 and I have no clue ki main kya baat karne wala hu. Aapke sath kabhi bhi aisa hua hai ki you have so many thoughts inside your head and you feel like sharing everything, but the moment you start sharing something kuch nikalta hi nahi hai. It happens when you know, you try to communicate with that person inside your head, and when you actually talk about it, you're like, ऐसे छोटी-छोटी बातें निकलती हैं. अंदर तो कबड्डी खेल रहे होते हैं, और वहाँ पे okay bye. So I just thought के यार सीधा फोन वहाँ पे रख दो, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, सब चंगा सी. I just came back from my trip. Himachal gaya tha. One of the beautiful trips. Himachal mein for the first time humne snow dekha. Kashmir mein bhi maine dekha tha, but just for 15 seconds. Yahan pe it was snowstorm. Yeah, and it was amazing. Jitna daravna itna suhana. Maza aa gaya. You want to hear that story? Matlab एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें लेक तक पहुँचना है, वो ट्रैक करना है. सो विच वॉज अराउंड 2 days का ट्रैक, जिसमें हमने पूरा दिन चला चला चला, फिर हम बेस कैंप पहुँचे. वहाँ पे हमारे टेंट्स लगे हुए हैं, बड़ा सा बॉनफायर है, ठंडी सी हवा है, बट सब जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे छोटी छोटी जगहों पर हल्का सा बर्फ़ है. अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, बेस कैंप के पहले की बात है, तो आपको छोटे छोटे वो ठेले मिलते हैं जहाँ पे मैगी और चाय मिलती है. और पहाड़ की चाय और मैगी, ओ हो हो, इट टेस्ट सो बेटर. आई मीन ओके, ये अभी की जो नई वर्जन वाली मैगी है ना, वो कुछ भी नहीं है. मुझे ऐसा लगा जब मैं पहाड़ों में था, मैं जब हिमाचल में था, तब मुझे पुराने वाली जो मैगी थी ना, वो लेड वाली, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था. मे बी वो पहाड़ों की कुछ बात थी, ठंड की कुछ बात थी, या फिर जो भी, या फिर वो कुछ मसाला और डाल रहे थे, बट इट वॉज अमेजिंग. सो जब जब हम ऐसे ठेले पे रुकते, चाय पीते, लोगों से बातें करते, तो ऑल ऑफ देम सेड वन थिंग फॉर श्योर कि आज शायद स्नो होने वाला है. सो जस्ट बी केयरफुल. सो जितना एक्साइटमेंट था उतना ही था कि ओके देखा जाएगा, यू नो, हाँ ठीक है. बट देन हम जैसे वो बेस कैंप पे पहुंचे, 7:30 बजे हमारा डिनर एक टेंट में था, वहां पे हम सब खा रहे हैं. आफ्टर टॉकिंग एंड ईटिंग, ऑल ऑफ अ सडन हमें कुछ यू नो टप 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 ऐसे गिरने की आवाज़ आने लगी. सो आई थॉट कि बारिश शुरू हो गई है. जैसे ही हमने टेंट की वो चेन ऊपर की, हमने देखा कि ये बारिश नहीं है, बर्फ गिर रही है, हवा और बर्फ. ओहो, इट वॉज कैरी. क्योंकि एक तो अंधेरा है, आपके माथे पे यूं टॉर्च लगी हुई है, बट यू कांट सी एनीथिंग बिकॉज द विंड इज सो पावरफुल, प्लस इतना ज़्यादा स्नो. सो हम जैसे तैसे करते 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 एक दूसरे को संभालते संभालते हाथ पकड़ते पकड़ते हम पहुँच गए हमारे टेंट्स में. टेंट में सेटल हुए, वी कुड हियर दैट टप 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 टप, जो अब बड़े हो गए हैं ऑन आर टेंट्स. फिर हमने टेंट की चेन खोली, लाइट ऑन की, ताकि पता चले कि अब इतने टाइम में स्नो कितना भरा हुआ है. और यू नो जो ब्राउन हो गया था, मतलब वो जो मिट्टी होती है उसका रंग ब्राउन, उसके ऊपर अब चादर आ गई थी, बिल्कुल ऐसे ही वाइट की, स्नो वाइट, स्नो की चादर आ गई थी, और ऐसे स्नो गिर रहा है. ओहो, इट वाज मेस्मराइजिंग. बस इतनी सी जगह और वहां पे हमें स्नो दिख रहा है. फिर हमने पूरी चेन खोल दी तो पता चला कि चारों तरफ जहाँ पे पहले मिट्टी ही मिट्टी थी, या फिर पत्थर ही पत्थर, या पहाड़ी पहाड़ थे, वो सारी जगह पे अब हल्की हल्की सी चद्दर बन गई है बर्फ की. अब शुरुआत में सब ठीक था, सब सुहाना. इट वॉज एक्साइटिंग ऑल्सो के ओके द विंड इज ब्लोइंग सो पावरफुल, बट एट द सेम टाइम वो एक खुशी भी दे रही है कि इन द मिडल ऑफ नो वेयर वी आर यू नो इन आर टेंट्स, वी आर लिटिल बिट सेफ, वी आर विथ आर ओन पीपल, एंड वी आर एंजॉइंग द स्नो.
पर जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई ना, जो बेस कैंप था वहीं पे एक कैफे था, छोटू सा कैफे, उसके ओनर्स आए एंड दे आर लाइक के अगर अगर ये स्नो बढ़ गया ना, देन मेक श्योर दैट यू नो शिफ्ट टू द कैफे। हमने कहा ठीक है देखा जाएगा। फिर वो फिर से आए 10 मिनट के बाद कि प्लीज़ अपने टेंट्स को यूं झटकते रहो, क्योंकि अगर उसके ऊपर बर्फ जम गई तो आपका टेंट। एंड एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि जैसे हम नो झटकते थे तो टेंट के आजू बाजू से ऐसा स्नो गिर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो आए और कहे कि आप दो दो लोग हो, अगर हो सके तो एक ही टेंट में 4 लोग हो जाओ सो दैट द वॉर्म स्टेज। ओके दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रुपी, बट ठीक है विल सी। बट फाइनली जब वो स्टॉर्म बढ़ने लगा, जब बर्फ बहुत ज़्यादा हो गई और वो झिंझोड़ते झिंझोड़ते हमारे टेंट्स के आसपास इतने लेवल का, आई एम नॉट किडिंग, इतने लेवल का बर्फ आ गया था, देन वी थॉट कि चलो सामने वाले टेंट के जो लोग हैं उनको बुला लेते हैं। सो हम सारे लोग टेंट में हैं, लाइट का कोई ठिकाना नहीं है, बैटरी को बचा के रखना है, पर फिर भी पावर बैंक एंड एवरीथिंग इज देयर प्लस हेड टॉर्च है, तो हम उसी को यूं ऊपर लटका के लूडो खेल रहे थे। For I think 45 minutes we played Ludo together, we laughed, we heard, you know, we listened to songs, and then धीरे धीरे वो स्टॉर्म की आवाज़ बढ़ गई। We thought कि चलो अब ठीक है सो जाते हैं, सुबह को देखा जाएगा, but नींद किसी को नहीं आ रही थी। Everybody was getting little bit scared, क्योंकि अब स्टॉर्म की आवाज़ बढ़ रही है, बाहर जो अरे झटकते रहो उसकी भी ड्यूरेशन बढ़ रही है, एंड एट द सेम टाइम दोज पीपल जो हमारे दूसरे टेंट्स में थे वो धीरे धीरे कैफेज में जा रहे हैं। एंड आई एम लाइक अब निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। सो वी आस्क्ड देम दोज गाइस के ओके क्या करना चाहिए, तो बोले कि नहीं अभी वहीं पे रहो। एंड आई एम लाइक नो दिस इज नॉट साउंडिंग नाइस। सो हम जैसे तैसे करके उनको बुलाए कि प्लीज हेल्प अस, हम पैक कर रहे हैं बैग, टेंट का जो होगा वो देखा जाएगा। हमने जैसे ही हमारे टेंट की वो चेन खोली ना, तो जो सामने वाला टेंट था उसके ऊपर इतनी बर्फ जम गई थी कि आधा दब गया था। जस्ट इमेजिन कि उसमें भी हमारा कुछ सामान था, कुछ यार कुछ दोस्त लोग वहीं पे सोने वाले थे, वो टेंट आधा हो गया था उतनी बर्फ। अब भले ही वो अंधेरा था पर जैसे हम बाहर निकले वी कुड सी कि एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो। जहाँ पे हम यू नो आराम आराम से, जब पत्थर थे तब हम आराम आराम से वो स्टेप्स देखते देखते गिर यू नो नहीं गिर रहे थे, यानी कि नीचे उतर रहे थे, उसी जगह पे अब स्नो आ गया था। तो एज इफ इट्स लाइक अ स्लाइड, हम यू कूद कूद के लेवल्स को नीचे पार करते 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 उस कैफे में पहुँच गए। हम पे बहुत लगी थी पर बर्फ ने बचा लिया था या और जैसे तैसे करके हम उस कैफे में पहुँचे। देखा तो कैफे के बिल्कुल कोने में एक सगड़ी, यानी कि बॉनफायर जो सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा जाता है वो था, बाकी देयर वाज नो लाइट, ऑलमोस्ट 30 पीपल वर देयर। कोरोना जाए भाड़ में, अभी स्नो स्टॉर्म हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, एक साथ रहो इकट्ठा रहो। वो सारे लोग इतने सिकुड़ सिकुड़ के, कुछ सीधे सोए हुए हैं, कुछ यूं बैठे हुए हैं, कुछ यूं टेढ़े हैं, हम सब ऐसे बैठ गए। कम्फर्ट का कोई ठिकाना नहीं है, कम्फर्ट का कुछ भी का ठिकाना नहीं था क्योंकि क्लाइमेट का कुछ ठिकाना नहीं था, बट फिर भी वहाँ पे हम बैठे। फिर जो दो वो लोग थे हमारे क्या कह सकते हैं कैफे के ओनर्स, उनको बहुत मज़ा आ गया, उनको पता चल गया हमारे दोस्त की वजह से कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, तो फिर कविताएं कहानियाँ हल्ला गुल्ला हंसी खुशी यू नो कीपिंग द मूड लाइट अप। यहाँ पे ठंड हो रही है तो वो बॉनफायर को थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। वहीं पे उसी कैफे की जो दीवारें हैं उसकी छोटी छोटी जगहों से ठंडी सी हवा आ रही है, बर्फ गिर रही है ऊपर से। सो जैसे ही बर्फ बॉनफायर पे गिरती है तो धुआं कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, आंखों में चुभ रहा है, तो आंखें बंद बंद करके यूं यूं कर रहे हैं। फिर सडनली हमारे दोस्तों को याद आया कि भाई हेलो रामदेव भी है, तो गर्मा गर्म पानी में, यू वॉन्ट बिलीव, गर्मा गर्म पानी में हमने रामदेव को नमन किया। ओहो हो इट वॉज लाइक अ मोमेंट, ओ मतलब मज़ा ही आ गया। Did I just say moment? Carol will kill me. Okay, moment. So just imagine के ऐसे हालातों में भी जहाँ पे कंफर्ट का कोई ठिकाना नहीं है पर फिर भी हम
यू नो इन द इंडियन पॉटी पोजीशन बैठे हैं, यूं करके हाथों को सेक रहे हैं जो भी. तो डिड यू सी माय लेग्स? ओके दैट्स ओके. सो आप हाथों को सेक रहे हो, आपके मोजे ठंडे हो गए हैं, गीले हो गए हैं, क्योंकि हम वैसे वाले स्नो शूज तो लेके नहीं गए थे. एंड जैसे तैसे करते करते यू आर यू नो वार्मिंग योर सेल्फ एंड दूसरों को चांस दे रहे हो कि वो भी, क्योंकि एक ही बॉनफायर था तो आपको भी अपनी जगह ले लेनी है, अपने दोस्तों के साथ अपने प्यार के साथ बैठ जाना है. एंड देन बस रात अच्छे से गुजर जाए, कोई बीमार ना हो, किसी के साथ बवाल ना हो, वैसा कुछ, यानी कि बवाल ना हो. क्योंकि जब 30 लोग इतने छोटे रूम में होते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो, और आप पैसे भी नहीं लेना चाहते, पर ठीक है, क्या किसको रोकेंगे, बाहर हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे ये हालात ठीक नहीं है उनके, तो चल जाता है. बट व्हेन समबडी यू नो सिट्स ऑन योर लेग व्हिच इज इनअप्रोप्रिएट व्हाइल यू नो, सो ओके जस्ट इमेजिन कि यू नो आप बैठे हो और सडनली कोई ठप करके बैठ जाए आपके पैरों पे, आपके मुंह से आवाज तो निकलेगी ना, तो वहां पे दो कड़कती आवाजें निकली, फिर कड़कती आवाजें शांत भी हुई बिकॉज आई सेड कि भाई जरा आगे जाके बैठ. सो यू नो वो भी थोड़ा था, बाहर अलग गर्जट, यहाँ पे अलग गर्जट चल रहा था. अब जैसे तैसे करते करते मे बी आधे पौने घंटे की नींद लेते लेते एक दूसरे को अनकंफर्टेबल फील करवाते करवाते फाइनली रात गुजरी सुबह के 6:30-7 बजे और सबको उठाना शुरू किया. चलो उठो उठो चलो नीचे जाना है. एंड आई एम लाइक हमें ऊपर करेरी लेक जाना है. तो बोले कि नहीं वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता है, इतना स्नो हुआ है, कुछ 20 लोग वहाँ पे ऊपर हैं ऑलरेडी. एंड आई एम लाइक ओह फक, अब कुछ नहीं, भले ही बर्फ गिर रही हो रुकना नहीं है, चलते रहना है, नीचे उतरना है. नाउ पूरी रात हमने जिस जगह पे गुजारी थी वो पूरी अंधेरे में थी. अब उजाला आ गया है, बर्फ हल्की सी गिर रही है, पर सोचो कि पूरी रात ऑलमोस्ट 7 इंच जितनी बर्फ गिरी है. सो आप फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ शूज पहनते हो, बैग टंगते हो और फिर दरवाज़ा खोलते हो, और दरवाज़ा खोलते ही आपको पता चलता है कि हेवन अगर है तो यही है. फॉर द फर्स्ट टाइम स्नो स्टॉर्म, स्नो फॉल एंड देन स्नो की चादर देखना. आप जो मूवीज में देखते थे कि वो लकड़ियों पे जब पानी टपक टपक करते करते यू नो वहाँ पे थीज जाता है, वो जो अटक जाता है, बिल्कुल वैसा ही सीन. एंड यू फील मेस्मराइज्ड राइट इन द मिडल ऑफ दिस सिनेरियो. इट्स लाइक अ कैलमिटी बट फिर भी आप फाड़ में जाए, यार क्या सीन है. फिर आप फोटोज खिंचवाते हो बिकॉज यू डोंट वॉन्ट दिस मोमेंट टू गो अवे. आप वहीं पे उस लम्हे को मन में कैद करते हो. फिर जो गाइड्स हैं वो आगे चल रहे हैं, एक ट्रेल बना रहे हैं, और ऐसा करते 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 तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक गिरते संभलते संभालते ना गिराते आगे बढ़ते हो. एंड देन यू रीच डाउनस्टेयर्स. नाउ जब आप नीचे पहुंचते हो ना तो उसके बीच में एक ऐसा पैच आता है जहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट नीचे जा चुके हैं, सिर्फ 2-3 लोग आपके साथ हैं. यू आर द लास्ट वन बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग. सो आप एक जगह पे रुकते हो जहाँ पे यू नो वो इमोजीज में जो स्नोफ्लेक नहीं होता है, बिल्कुल उतनी ही साइज का सडनली स्नो गिरना शुरू होता है. टिपिकल क्रिसमसी फील जो मूवीज में हम देखा करते थे, बिल्कुल ऐसा. और आप वहाँ पे रुक जाते हो, इस लम्हे क्या कर दूँ, मुझे चैन मिले, आराम मिले. हर सीन, हर फ्रेम आपको मूवी के एक सीन जैसा लगे और आप वहीं पर बैठ जाओ. Just for few seconds, just for few minutes, and then you feel like, why are we going downstairs, or why do we have to go downstairs? Let's just stay for a while. उसी प्यार भरे अफसोस के साथ आप नीचे उतरते हो, safely नीचे उतरते हो, खुदा का शुक्र मानते हो, उन guides का, अपने अच्छे जूतों का शुक्र मानते हो, और नीचे आते हो. और जैसे ही नीचे आते हो तो पता चलता है कि अब snow जा रहा है. सो जस्ट इमेजिन कि आप उस जगह पे थे कि जो सडनली जन्नत से जहन्नुम में कन्वर्ट हो गई थी, पर उसी चीज़ को आपने एज अ सर्वाइवल के तौर पे उसको पसार किया, उसको पास किया, एंड देन यू स्टार्टेड लविंग दैट मोमेंट. सो मैंने ये चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में कठिनाइयों के बाद जब आप उसी चीज़ को
अपनाना शुरू करते हो ना तो प्यार बनने लगती है, एंड देन यू स्टार्ट मिसिंग दैट बिकॉज नाउ यू आर सो कंफर्टेबल इन दैट विक्ट्री कि जब वो गुजर जाती है तो ऐसा लगता है कि डूड हम इस चीज से बाहर आए एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिस दिस मे बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स. ऐसा स्नोफॉल अब कब देखने को मिलेगा? मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो उसी फ्रेम में चला जाता हूँ जब दो पेड़ों के बीच में सामने पहाड़ है, उसके बीच में नदी जो थीज चुकी है, उन सभी के बीच में वो बड़े बड़े से स्नोफ्लेक्स, यू नो, स्नोफॉल, एवरीथिंग इज, इट्स स्टिल देयर एंड इट गिव्स मी गूज़बम्प्स एंड आई फील के मैं पहाड़ों के लिए बना हुआ हूँ, मैं नेचर के लिए बना हुआ हूँ. भले ही एक आध दोबार बिकॉज इट वॉज स्लिपरी तो हम गिरे थे, पर संभल गए और संभलते संभलते यहाँ पे आ गए. सो यार, वो कठिनाइयाँ थी, वो जो नॉट सो रूहानी रातें थी, वो हंसी खुशी वाली जो टेंट की बातें थी, और वो जो सन्नाटे वाली अधूरी कहानियाँ थी, आई थिंक उन सभी ने मुझे पूरा किया है. शायद इसीलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और बस इतना काफी है. सो या दैट वाज माय द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ 2021 एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माय 2020. सो जो भी हुआ उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, पर जो मिल गया उसको मैं अपना बनाता चला गया और बस ऐसे शेयर किया होते हैं. या सो आई जस्ट होप के this brought smile on your face and maybe that urge to witness that mountain, witness that snowfall again, or maybe for the first time in your life. Yeah, just be with nature when you feel lost, you'll get yourself. Chaliye, isi baat ke sath main chalta apni gali. I don't have any question as of now. Where do you want to travel next in 2021? Where do you want to travel next? Tell me. Yeah, I would love to know that. And by that, I'm also increasing the number of engagement. So yeah, do let me know in the comment box. ठीक है. चले, चाय भी ठंडी हो गई है. I missed chai, by the way. Keep muskurana. Bye bye.